हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन इन माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट। तो इन द लास्ट लेक्चर वी वेर डिस्कसिंग अबाउट द बस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस अवेलेबल इन द माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम। तो इन दैट लेक्चर वी हैव सीन द थ्री टाइप्स ऑफ बसेस: एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। नाउ कंटिन्यूइंग वंस अगेन इन द चैप्टर नंबर वन, कंटिन्यूइंग सेम चैप्टर नंबर वन, बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड 8051 माइक्रो कंट्रोलर। नाउ टूडेज टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर, वॉट विल बी आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर? यू मस्ट बी एबल टू ड्रॉ अ नई ब्लॉक डायग्राम ऑफ हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द टाइप ऑफ आर्किटेक्चर विच आर अवेलेबल फॉर बोथ दिस सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर एज वेल एज माइक्रो कंट्रोलर। So what type of architecture they are following? So today we are going to see in this our lecture. So the learning objective is explain Harvard and Von Neumann architecture. So the two types of architecture we are going to see in this particular lecture: Harvard and Von Neumann architecture. So in the end of this particular lecture session, you must be able to answer the question: draw neat block diagram of Harvard and Von Neumann architecture. This is the learning objective of this particular lecture session. So what will be the contents of today's lecture? Introduction. First, we are going to see in detail Harvard architecture. Then we are going to see in detail Von Neumann architecture. And in the end, we are going to compare between the two types of architecture, Harvard and Von Neumann architecture. So this is your concept map. The concept map, it is showing you, highlighting you, the computer architecture is divided into two types: Harvard architecture and Von Neumann architecture. So which one is following Harvard architecture, which one is following Von Neumann architecture, we are going to see further. So this is your concept map. Computer architecture is of two type: Harvard architecture and Von Neumann architecture. Now coming to introduction. So as you can see, the points which are highlighting over here, basically microprocessor or microcontrollers are classified based on the two types of computer architecture. So in the starting, it is only telling us the computer architecture. Basically, it is classified into two categories: Von Neumann architecture and Harvard architecture. So microprocessor हो, microcontroller हो, ये दोनों का जो computer का जो architecture है वो दो टाइप में क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सो वन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर फॉलो द वन न्यूमन आर्किटेक्चर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन, इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। जो भी जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर है, या इन शॉर्ट आप माइक्रो प्रोसेसर बोलो, तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा टाइप का आर्किटेक्चर फॉलो करता है? वन न्यूमन आर्किटेक्चर फॉलो करता है। अब उस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या होता है वो चीज़ अभी हम लोग आगे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला की पॉइंट, मेन पॉइंट, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर दो टाइप में क्लासिफाई हुआ है, एक वॉन न्यूमन और एक हार्वर्ड। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर किसके लिए है और हार्वर्ड आर्किटेक्चर किसके लिए? तो जितने भी माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन से टाइप का आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, यानी जनरल पर्पस की बात करें, जो जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर है, दे आर फॉलोइंग वन न्यूमन आर्किटेक्चर। और जो माइक्रो कंट्रोलर्स की बात चल रही है, माइक्रो कंट्रोलर्स विच आर यूज फॉर डेडिकेटेड एप्लीकेशन, तो माइक्रो कंट्रोलर्स फॉलो द हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था। यहाँ से अभी आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर दो टाइप के होते हैं। अब जिसमें से माइक्रो प्रोसेसर वाला कौन सा फॉलो करता है? वॉन न्यूमन। और माइक्रो कंट्रोलर वाला कौन सा फॉलो करता है? हार्वर्ड। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता क्या है इसके अंदर। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉन न्यूमन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो दिस इज अ डायग्राम विच इज एक्सप्लेनिंग अस द टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। यहाँ पे पहले सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? माइक्रो कंट्रोलर्स विथ हार्वर्ड आर्किटेक्चर आर कॉल्ड एज रिस्क माइक्रो कंट्रोलर्स। यानी वो माइक्रो कंट्रोलर जो हार्वर्ड टाइप के आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्वर्ड आर्किटेक्चर, आर बेसिकली कॉल्ड एज रिस्क माइक्रो कंट्रोलर्स। एमसीएस का फुल फॉर्म है माइक्रो कंट्रोलर्स,
और RISC का फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल नाम से आपको क्या मालूम पड़ रहा है, जिसका इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल क्या किया हुआ है, रिड्यूस किया हुआ है। इट वॉज बेसिकली डेवलप टू ओवरकम द बॉटल नेक ऑफ वन ह्यूमन आर्किटेक्चर। और ये बेसिकली क्यों डेवलप किया गया है, इन ऑर्डर टू ओवरकम, खत्म करने के लिए बॉटल नेक ऑफ वन ह्यूमन आर्किटेक्चर। नो फॉरगेट, आपको कुछ नहीं मालूम है अभी तक, आपको तो ये भी नहीं क्लियर हुआ कि सर वन ह्यूमन आर्किटेक्चर में क्या ऐसा है जो इसकी वजह से ये बॉटल नेक होता है। नाउ कमिंग टू दिस डायग्राम, अब ये डायग्राम पे आ जाओ आप लोग। अब ये डायग्राम में आपको क्या चीज़ इधर पे समझाया हुआ है, क्या चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है वो क्लियर करता हूँ। दिस इज बेसिकली वन ह्यूमन सीपीयू। ये जो आपका डायग्राम में लेफ्ट पार्ट का मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो लेफ्ट पार्ट का जो डायग्राम है वो वॉन न्यूमन टाइप का आर्किटेक्चर फॉलो करता है, पहले उसको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम होता है बॉटलनेक का, वो ओवरकम करता है माइक्रो कंट्रोलर हार्वर्ड टाइप का आर्किटेक्चर, इसलिए पहले ये समझना जरूरी है। सो वॉन न्यूमन सीपीयू, तो दिस इज योर वॉन न्यूमन सीपीयू, और यहाँ पे आपको मेमोरी का सेक्शन दिया हुआ है। नाउ मेमोरी में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस वाला है मेमोरी और एक डेटा वाला मेमोरी है। यानी जो इनिशियली जो भी आपका स्टार्ट होता है प्रोग्राम या कोड वगैरह लिखते हो, तो दैट इज नोन एज व्हाट, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, कोड मेमोरी, जहाँ पे सब स्टोर किया हुआ रहता है कि ये इंस्ट्रक्शन का ये काम है, ये इंस्ट्रक्शन का ये काम है। हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं, और कोड जो वो बनता है वो डेफिनेटली वो किससे बनता है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट से बनता है। ये इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, ये इंस्ट्रक्शन, यानी जो प्रोग्राम आप जो लिखते हो, प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली। तो हर इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो वो मीनिंग कौन समझाएगा, कौन मालूम पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं रिलेट करेगी ना, कहीं स्टोर करके रखी हुई होगी। तो मेमोरी के बेसिकली दो सेक्शन होते हैं, एक होता है कोड मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, और एक होता है डेटा मेमोरी। डेटा यानी जहाँ पे आप टेम्पररी डेटा स्टोर कर रहे हो, टेम्पररी डेटा निकाल रहे हो, जहाँ पे रफ वर्क कर रहे हो, डेटा से रिलेटेड कोई शेयरिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग का काम चल रहा है। तो मेमोरी के दो सेक्शन होते हैं, एक प्रोग्राम मेमोरी होता है जिसको कोड मेमोरी भी बोलते हैं, और एक दूसरा होता है डेटा मेमोरी। तो बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या होता है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में ये प्रोग्राम और डेटा मेमोरी एक ही एड्रेस और डेटा बस से शेयर होता है, इनके लिए कोई सेपरेट एड्रेस बस डेटा बस नहीं होती दोनों मेमोरी के लिए। इन वॉन न्यूमन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर बोथ दी मेमोरीज, दैट इज प्रोग्राम मेमोरी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी एंड डेटा मेमोरी, शेयर द सेम नंबर ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। इसलिए आपको ये जो ब्लू, रेड और ग्रीन में जो लाइंस जो दिख रही है, सो ये ब्लू, रेड और ग्रीन लाइंस, दिस इज नथिंग बट इंडिकेटिंग द बसेस। और ये बस हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। बस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायर्स ओनली जो कनेक्ट करते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट किसमें, सीपीयू से, मेमोरी से, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल से, यानी जो भी कम्युनिकेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस बसेस की वजह से होता है। बस में एड्रेस बस क्या काम करती है, एड्रेस इंफॉर्मेशन लेके चलने का काम करती है। डेटा बस क्या काम करती है, डेटा लेने का काम करती है, डेटा को कैरी करने का काम करती है। एंड स्टेटस बसेस मतलब कंट्रोल बस, कंट्रोल बस को स्टेटस बस करके भी बोला गया है, यहाँ पे स्टेटस बस करके नाम इंडिकेट किया हुआ है। कंट्रोल बस हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। सो कंट्रोल बस, स्टेटस बस जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कमांड लेके चलती है, रीड करना है कि राइट करना है, क्या करना है। तो ये जो तीनों भी आपको जो लाइंस जो दिख रही है, दैट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ वायर्स है, ये ग्रुप ऑफ वायर्स है जो तीन टाइप के बस हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों बसेस कॉमन होती है दोनों मेमोरी के लिए, ठीक है? तो दोनों मेमोरी के लिए कॉमन होती है, प्रोग्राम मेमोरी के लिए भी यही बसेस यूज हो रही है, और डेटा मेमोरी के लिए भी क्या हो रही है, यही बसेस यूज हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब आपको एक मेमोरी से काम होगा तो दूसरी मेमोरी में आप काम नहीं कर सकते। अगर वंस यू आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद प्रोग्राम मेमोरी, देन डेटा मेमोरी का काम उस टाइम पे साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम बॉटलनेक बोला जा रहा है, वॉन न्यूमन बॉटलनेक। तो जब आपको इंस्ट्रक्शन मेमोरी से काम है तो उस टाइम पे डेटा मेमोरी का, उसी टाइम पे, एट दैट इंस्टेंट ओनली, आप डेटा मेमोरी से आप इंफॉर्मेशन नहीं कैरी करवा पाओगे, क्योंकि उस टाइम पर वो बस बिजी है इंस्ट्रक्शन मेमोरी को यूज करने में। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या होता है, यही चीज है। इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बोथ द मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी शेयर द सेम नंबर ऑफ एड्रेस डेटा बसेस। सो दैट्स व्हाई साइमल्टेनियस ऑपरेशन ऑफ बोथ द मेमोरी इज नॉट पॉसिबल।
तो साइमल्टेनियस ऑपरेशन करना दोनों भी मेमोरी का, ये आर्किटेक्चर में पॉसिबल नहीं है। वेर एस, अब आप लोग दूसरी तरफ डायग्राम देखो, जो हार्वर्ड टाइप का आर्किटेक्चर है, हार्वर्ड सीपीयू लिखा हुआ इधर पे, सो इन दिस हार्वर्ड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर दिस इंस्ट्रक्शन मेमोरी एंड डेटा मेमोरी बोथ आर सेपरेट मेमोरी। यहाँ पे दोनों भी सेम मेमोरी थी, प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी आर सेम, सेम नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस आर यूज फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। तो प्रोग्राम मेमोरी डेटा मेमोरी कोई सेपरेट मेमोरी नहीं है, एक ही मेमोरी में खाली सेक्शन करके डिवाइड कर दिया है, ये इतने पर्टिकुलर सेक्शन इंस्ट्रक्शन मेमोरी के लिए यूज होगा, इतना पर्टिकुलर सेक्शन डेटा मेमोरी के लिए यूज होगा। यहाँ पे कोई सेपरेट मेमोरी नहीं है, अलग अलग मेमोरी नहीं है, एक ही मेमोरी के अंदर वो आपने डिवाइड कर दियो कि इतना हिस्सा जो है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी का, इतना हिस्सा कितना है ये डेटा मेमोरी का है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे, इन हार्वर्ड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर बोथ दी मेमोरीज आर डिफरेंट। प्रोग्राम मेमोरी देख लो पूरी टोटली डिफरेंट है, डेटा मेमोरी देख लो पूरी डिफरेंट है। प्रोग्राम मेमोरी जहाँ पे कोड वगैरह अपन लिखते हैं, तो कोड वगैरह जो कोडिंग वगैरह जो सेक्शन है वो जो डेटा स्टोर होता है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दूँ प्रोग्राम मेमोरी का, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में जो आता है आपके सामने जो अनेबल होता है, तो मतलब वो परमानेंटली लिखा हुआ है ना कहीं पे, तो वो हिसाब से वो एक्ट करता है, वो प्रोग्राम ऑपरेट होता है। कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो तो इनिशियली आपको स्टार्टिंग में ओपन होते हुए वो जो विंडो नज़र आता है वो तो हम लोग खुद से करते नहीं, बाय डिफॉल्ट जो मैन्युफैक्चर ने करके रखा है तो वो सब कुछ एग्जीक्यूट होता है, वो एग्जीक्यूट होकर तब आपको दिखता है। तो ये एग्जाम्पल है आपका इंस्ट्रक्शन मेमोरी में, जो परमानेंट आपने अगर कुछ स्टोर करके रखे हो कि ये इतना काम तो स्टार्टिंग में होना ही चाहिए, फिर उसके बाद में जो दिखाना है वो दिखाओ करना है, फिर बाद में आप कुछ लिख रहे हो स्टोर कर रहे हो तो वो फिर वो डेटा मेमोरी में होता है। तो प्रोग्राम मेमोरी डेटा मेमोरी दोनों भी अलग होती है, सेपरेट होती है किसमें, हार्वर्ड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में। और दोनों मेमोरी के लिए देखो आप लोग ध्यान से कि दोनों की बसेस अलग है, एड्रेस डेटा एंड कंट्रोल बस बोथ आर डिफरेंट फॉर बोथ दी मेमोरीज। तो यानी यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेक्शन में आप साइमल्टेनियस ऑपरेशन भी कर सकते हो। साइमल्टेनियस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एक ही टाइम पे आप इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डेटा मेमोरी बोथ को ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों की बसेस अलग है, दोनों की सेपरेट बसेस है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, एक टाइम पे एक ही चीज से आप काम कर सकते हो। तो यही सब चीज़ है यहाँ पे डायग्राम में पूरा डिटेल, वॉन न्यूमन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर में यही डिफरेंस है। बेसिकली हार्वर्ड आर्किटेक्चर फॉलोज द टू डिफरेंट मेमोरीज, प्रोग्राम एंड डिफरेंट प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी, सेपरेट मेमोरीज होती है इसके अंदर। यहाँ पे सेम मेमोरी होती है प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी में, और सेम नंबर ऑफ एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस आर यूज फॉर बोथ दी मेमोरीज। यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ एड्रेस डेटा कंट्रोल बस आर यूज फॉर बोथ दी मेमोरीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस आर यूज। तो आपको पूरा मिला जुला के पूरा यही सेंटेंस में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, और आगे चल के भी हम लोग देखेंगे तो वही चीज़ दिखाई देगा। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, कि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है वो क्या फॉलो करते हैं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल फॉलो करते हैं। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब ये होता है कि इंस्ट्रक्शन सेट्स इंस्ट्रक्शन कम हो जाते हैं। वेयर इज इन माइक्रो प्रोसेसर, आप अगर वही माइक्रो प्रोसेसर की बात करोगे तो माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन बहुत सारे बहुत सारे, तो और उनका जो एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो साइकिल भी ज़्यादा है। तो इसके लिए इधर पे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को बोला जाता है सी आई एस सी माइक्रो कंट्रोलर्स। तो सी आई एस सी माइक्रो कंट्रोलर्स का मतलब ये होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल, और आर आई एस सी का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल। जिसका इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल रिड्यूस किया हुआ है, जिसका इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल क्या किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। क्यों कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, सेम नंबर ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस यूज होती है प्रोग्राम मेमोरी के लिए भी डेटा मेमोरी के लिए भी, तो वो अंडरस्टैंडिंग करने में डिफिकल्ट होता है सबके लिए, सेपरेट सेपरेट इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, तो वो हिसाब से इंस्ट्रक्शन सेट्स बढ़ जाते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है। तो दैट्स वाई इधर पे इसके लिए इसका नाम जो दिया गया है ये वॉन न्यूमन टाइप के आर्किटेक्चर का, जिसको और कौन सा माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन बाय कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल। और वही चीज़ यहाँ पे आसान ये हो गई कि दोनों के लिए सेपरेट मेमोरीज यूज होती है, तो दोनों के लिए सेपरेट साइमल्टेनियस ऑपरेशन करना पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो टाइम एग्जीक्यूशन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके लिए इसका नाम दिया गया है हार्वर्ड आर्किटेक्चर का रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल। सो दिस आर्किटेक्चर वॉज डिजाइन बाय फेमस मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन जॉन वॉन न्यूमन, तो इसके लिए उसका नाम दिया गया वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो यही है पूरा आज के लेक्चर में, आपको पूरा यही सब क्लियर होगा। अब हार्वर्ड आर्किटेक्चर में आप लोग देखो क्या दिया हुआ है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूजेस सेपरेट मेमोरीज फॉर प्रोग्राम एंड डेटा,
विद देयर इंडिपेंडेंट एंड एड्रेस डेटा। बस यही चीज मैंने अभी आपको बोला और यही चीज आपको दिख रहा है। हु इज दिस, कौन है, कौन हैंड रेस कर रहा है, कोई हैंड रेस कर रहा है क्या? समबडी इज रेजिंग हैंड। कौन था, नाम मैं देख नहीं पाया, कौन कर रहा था? था मुस्लिम सर। मुस्लिम सर, ये बीच लेक्चर में डिस्टरबेंस क्यों कर दिया? सर खाली वो बोलना आया था कि जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होगा आप प्लीज बताना, मैं दूसरा चालू करता हूँ सारा। अच्छा, थैंक यू सर। ओके। तो हार्वर्ड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूजेस सेपरेट मेमोरीज फॉर प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी विद देयर इंडिपेंडेंट एड्रेस एंड डेटा बस। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या करता है, दोनों भी सेपरेट मेमोरीज यूज करता है प्रोग्राम एंड डेटा के लिए। प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी सेपरेट मेमोरी यूज होता है, और इंडिपेंडेंट एड्रेस एंड डेटा बस, दोनों की बसेस भी क्या होती है, अलग होती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का जो दिया हुआ है, कौन से टाइप के माइक्रो कंट्रोलर जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, तो ये पिक माइक्रो कंट्रोलर भी दिया हुआ है, पिक 16F84MC CHAR शार्क, ये टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है। और आर्म माइक्रो कंट्रोलर भी दिया हुआ है, पिक कंट्रोलर, आर्म कंट्रोलर। अभी तक तो हम लोग बेसिक माइक्रो कंट्रोलर की स्टडी करेंगे अपने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, दैट इज 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो अब तो उसके आगे सब अपग्रेडेड माइक्रो कंट्रोलर्स आ चुके हैं, पिक कंट्रोलर है, आर्म है, ये सब एडवांस वर्जन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स है। तो जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज योर सीपीयू, ये आपका सीपीयू है, और बाजू में देखो ये रॉम है, रीड ओनली मेमोरी, जिसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। तो परमानेंट मेमोरी जो इंस्ट्रक्शन जो आपको बोला था ना, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, कोड मेमोरी, तो दैट इज योर रॉम मेमोरी। और जो डेटा मेमोरी की बात कर रहा था, जहाँ पे टेम्पररी डेटा वगैरह स्टोर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रैम मेमोरी। तो रॉम और रैम दोनों सेपरेट होता है किसमें, हार्वर्ड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में। तो रॉम मेमोरी इज टोटली डिफरेंट देन कंपेयर टू योर रैम मेमोरी। दिस रॉम मेमोरी इज नथिंग बट प्रोग्राम मेमोरी, कोड मेमोरी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, इतने सारे नाम है इसके। रॉम मेमोरी को आप क्या क्या बोल सकते हो, प्रोग्राम मेमोरी भी बोल सकते हो, कोड मेमोरी, प्रोग्राम इज नथिंग बट कोड, COD, कोड मेमोरी, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था वहां पे, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, ठीक है। तो ये सारे नाम आप किसको बोल सकते हो, रोम को बोल सकते हो, रैम को आप एक ही चीज से बोल सकते हो, दैट इज डेटा मेमोरी। तो ये दोनों भी मेमोरी, देखो ये दोनों भी मेमोरी ये टाइप के आर्किटेक्चर में, हार्वर्ड टाइप के आर्किटेक्चर में सेपरेट होती है। और आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के बसेस भी अलग होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, दोनों मेमोरी के लिए क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सेपरेट नंबर ऑफ बसेस इसके लिए भी है, सेपरेट नंबर ऑफ बसेस इसके लिए भी है, यहाँ पे कोई शेयरिंग ऑफ बसेस नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस में वो लिखा हुआ है विद देयर इंडिपेंडेंट एड्रेस एंड डेटा बस। दोनों की इंडिपेंडेंट एड्रेस एंड डेटा बस होती है, इसकी मेमोरी की अलग है, उसकी मेमोरी की अलग है। नाउ द क्वेश्चन एट एम एमसीक्यू सेट वन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंटेंट, इतना कंटेंट होने जाने के बाद आपको अटेम्प्ट करना है एमसीक्यू सेट वन। तो लेट अस सी व्हाट इज द एमसीक्यू सेट वन। तो एमसीक्यू सेट वन क्या है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। Stop presenting and presenting the new one. ओके, तो आपको ये शेयरिंग हो गया, दिख रहा है सबको सामने? यस ओके, सो दिस इज द सेट वन क्वेश्चन नंबर वन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे रिमेम्बरिंग में, स्टेट नंबर ऑफ आर्किटेक्चर अवेलेबल फॉर डिजाइनिंग अ डिवाइस दैट कैन वर्क ऑन इट्स ओन। तो ऐसे कितने टाइप के आर्किटेक्चर अवेलेबल है डिजाइन करने के लिए, डिवाइस को डिजाइन करने के लिए, दैट कैन वर्क ऑन इट्स ओन। तो दो अभी यस टू दो सर है, टू, ऑप्शन बी टू यहाँ पे आंसर में भी दिया हुआ है। विच आर दे, कौन कौन सा है, मोइन नाम बता, मोइन वो दो टाइप के आर्किटेक्चर का नाम बता। मोइन को आवाज आ रही क्या?
एनी वन ऑफ यू कौन से टाइप के दो आर्किटेक्चर? हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये हो गया दो टाइप के। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो अंडरस्टैंडिंग वाला है। जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर फॉलोज द डैश आर्किटेक्चर। यस, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है, जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सा टाइप का आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं? वॉन न्यूमन, और जिसमें क्या होता है सेम प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी होती है, दोनों के लिए सेपरेट मेमोरी नहीं होती है, दोनों की सेपरेट मेमोरी नहीं होती है, दे आर हैविंग द सेम प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वन दैट सपोर्ट्स हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा वाला आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है? कौन सा वाला हार्वर्ड आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है? अभी हम लोग शायद उस पर्टिकुलर अभी प्रेजेंटेशन में देख रहे थे, तो वो हिसाब से इधर पे नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आंसर सी, जो अभी हम लोग ने नाम देखे, शार्क देखे थे ना अभी हार्वर्ड आर्किटेक्चर में जो मैं नाम दे, यस, तो ये टाइप का आर्किटेक्चर आपका सपोर्ट होता है किसमें? हार्वर्ड आर्किटेक्चर में। आइडेंटिफाई द वन दैट सपोर्ट्स हार्वर्ड आर्किटेक्चर, तो इनमें से नाम दिया होता है, ये एप्लीकेशन टाइप का है, ये सब माइक्रो कंट्रोलर्स के नाम है। तो कौन सा वाला माइक्रो कंट्रोलर हार्वर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है? यहाँ पे दिया हुआ है, तो आर्म का भी नाम दिया हुआ है, आर्म 7, पेंटियम, शार्क, मोटोरोला 68, SC1। मेरे ख्याल से हम लोग ने आर्म 9 देखे थे, वहां पे आर्म 9 था, आर्म 7 नहीं था, तो कंफ्यूज मत होना, आम का भी नाम था, तो वहाँ पे ARM9 दिया हुआ है आपके उसमें, और इस पर्टिकुलर चीज में यहाँ पे ऑप्शन में आपको ARM7 दिया हुआ है, तो ARM7 नहीं है, ARM9 करके अगर आता तो वो भी हार्वर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता, और अभी हम लोग ने यहाँ पे नाम में देखे थे CHARC शार्क, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट वन कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अपने प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आपका कंटिन्यू क्या है इसके अंदर। ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में इधर पे नजर आ रहा है, दिख रहा है ARM9 है ये, हम लोग ने वहां पे ऑप्शन में ARM7 देख रहे थे, तो ARM7 हार्वर्ड आर्किटेक्चर नहीं होता, ARM9 होता है, और शार्क का भी पढ़े थे, तो इसलिए शार्क का ऑप्शन करेक्ट है उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं, अभी एटम एमसीक्यू सेट वन हो गया। नाउ कमिंग टू वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में जैसा आपको बताया, इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर ऑन द सेम मेमोरी स्पेस, तो सेम मेमोरी स्पेस में ही रैम एंड रोम दोनों होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये CPU जो है वो किसका है? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का है, और ये दोनों भी सेम मेमोरी होती है, सेपरेट मेमोरी होती है, एक सेक्शन रैम का दिया रहेगा, एक सेक्शन रोम का दिया रहेगा, सेम मेमोरी स्पेस में सेक्शन डिवाइड किया रहेगा, दिस मच सेक्शन इज ऑफ रैम, दिस मच सेक्शन इज ऑफ रोम, ऐसा करके डिवाइड किया रहेगा। तो रैम प्लस रोम जो है वो सेम मेमोरी स्पेस में ही होता है, सेपरेट नहीं होता है, और दोनों के लिए सेम नंबर ऑफ बसेस यूज होती है, एड्रेस बस एंड डेटा बस। तो एग्जाम्पल में नाम यहाँ पे दिया हुआ है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो फॉलो होता है, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर फॉलो करने वाले जो कंट्रोलर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक मोटोरोला 68HC11 माइक्रो कंट्रोलर करके दिया हुआ है। ठीक है, देखो नॉट नेसेसरी ओनली माइक्रो प्रोसेसर विल फॉलो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, सेपरेट सेपरेट माइक्रो कंट्रोलर्स भी फॉलो करते हैं, इसके लिए नाम यहाँ पे दिया हुआ है। वो आर्किटेक्चर कौन सा फॉलो करता है वो डिपेंड करता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सारे माइक्रो प्रोसेसर ही वॉन न्यूमन फॉलो करेंगे और सारे माइक्रो कंट्रोलर ही हार्वर्ड फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है, तो वो डिपेंड करता है। तो मोटोरोला 68HC11 जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है? वॉन न्यूमन, ARM7, ARM7 माइक्रो कंट्रोलर है इसका, ये भी माइक्रो कंट्रोलर है, लेकिन ये कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है? वॉन न्यूमन, पेंटियम हो गया, और MSP430। तो ये सारे कंट्रोलर्स आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का वॉन न्यूमन वाला है, कौन सा टाइप का हार्वर्ड वाला है, क्योंकि इसके ऊपर MCQ हम लोग ने क्वेश्चन देखे हैं। सो दिस टाइप ऑफ ऑल कंट्रोलर्स आर फॉलोइंग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ARM7, पेंटियम, MSP430 और मोटोरोला 68HC11। इन द एंड वी हैव टू कंपेयर बोथ द टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्वर्ड आर्किटेक्चर और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का कंपैरिजन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा थियरी पेपर में आता था।
कंपेयर बिटवीन हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, या क्वेश्चन ऐसा भी आता था एक्सप्लेन हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो ये डायग्राम को बना के आपको एक्सप्लेन करना था। तो क्या क्या है, पहले वो हम लोग कंपेरिजन के पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। इन हार्वर्ड आर्किटेक्चर फर्स्ट पॉइंट द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी इज फिजिकल, तो यहाँ पे फिजिकली सेपरेशन होता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी, रैम और रोम दोनों फिजिकली सेपरेट होते हैं फिजिकली। और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी इज लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब समझ में आया, लॉजिकल का मतलब हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करते हैं, नॉट सेपरेटली, मतलब एक ही मेमोरी सेक्शन में दोनों भी होता है प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी। अब आप उसको कैसा डिवाइड करते हो वो आपके ऊपर है, लॉजिकली डिवाइड करो, इतना सेक्शन प्रोग्राम मेमोरी में यूज कर लो, इतना सेक्शन डेटा मेमोरी में यूज कर लो, बट देर इज नो सेपरेट मेमोरी फॉर बोथ दी थिंग्स। प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी कोई सेपरेट फिजिकली नहीं रहता है, एक ही सेक्शन रहता है, उसमें आप डिवाइड कर सकते हो लॉजिकली। तो इसके लिए पहला पॉइंट आपको ये दिखाई देगा, इन हार्वर्ड आर्किटेक्चर प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी बोथ आर सेपरेटली अवेलेबल फिजिकली, और यहाँ पे लॉजिकली आपको सेपरेट करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट थिंग है, इट यूजेस फिजिकल सेपरेट मेमोरीज फॉर देन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, तो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए दोनों भी सेपरेट मेमोरीज यूज होती है फिजिकली, और यहाँ पे इट यूजेस सिंगल मेमोरी फॉर देयर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो लगभग पहला पॉइंट के जैसा ही ये सेकेंड पॉइंट भी है, वो अलग तरीके से लिखा हुआ है, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, इट यूजेस सिंगल मेमोरी फॉर देयर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए ये सिंगल मेमोरी का ही यूज करता है और ये सेपरेटली यूज करता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ये इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्स सेपरेट एंड डेडिकेटेड बसेस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए अलग अलग डेडिकेटेड बसेस यूज होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस यूज होती है, और ये पर्टिकुलर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में रिक्वायर सिंगल बस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो इंस्ट्रक्शन और डेटा की सिंगल बसेस यूज होती है, कॉमन बस यूज होती है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैन बी फेच साइमल्टेनियसली एज देयर आर सेपरेट बसेस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा विच हेल्प्स इन पोस्ट एग्जीक्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जब यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में दोनों मेमोरी से रिलेटेड, क्यों, क्योंकि दोनों की बसेस अलग है, तो दोनों की जब बसेस सेपरेट है तो आप साइमल्टेनियसली ऑपरेशन कैरी कर सकते हो प्रोग्राम मेमोरी से रिलेटेड भी और डेटा मेमोरी से रिलेटेड भी, क्योंकि दोनों की बस जब डिवाइड हो चुकी है तो आपको डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, आपकी कोई बसेस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा कैन बी फेच्ड साइमल्टेनियसली, आप साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ फेच कर सकते हो, यूज कर सकते हो, एज देर आर सेपरेट बसेस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा विच हेल्प्स इन पोस्ट एग्जीक्यूशन, जो हेल्प करती है हमारे एग्जीक्यूशन में। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, सिक्वेंशियली फॉलो करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा हैव टू बी फेच सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड हेंस अफेक्ट द परफॉर्मेंस। अफेक्ट द परफॉर्मेंस मतलब क्या, स्लो हो जाएगा रिस्पॉन्स, क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, रुकना पड़ेगा, एक के बाद एक काम होगा आपका, इधर पे एक साथ साइमल्टेनियसली काम नहीं हो सकता, पहले इंस्ट्रक्शन का काम होगा तभी जाके उसके बाद में डेटा का काम होगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ बसेस यूज हो रही है। यहाँ पे आप साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन का भी प्रोग्राम चल रहा है साथ में, आप अपना डेटा का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों की बसेस अलग है, सेपरेट है, तो इसलिए एग्जीक्यूशन फास्ट होता है इधर पे, और इधर पे एग्जीक्यूशन स्लो इसलिए होगा क्योंकि सिक्वेंशियली ऑर्डर में ये क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, देन योर डेटा में डेटा विल बी गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा हैव टू बी फेच इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड हेंस अफेक्ट द परफॉर्मेंस। और दोनों का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है आपको, हार्वर्ड आर्किटेक्चर का ये सीपीयू है, तो प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी दोनों भी सेपरेट है और दोनों की बसेस अलग है, और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में ये सीपीयू है, दोनों की मेमोरी सेम है, प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी सेम, सो दैट्स वाई सेम नंबर ऑफ बसेस आर यूज, एड्रेस एंड डेटा बस सेम, एड्रेस एंड डेटा बस आर यूज। तो ये डायग्राम आपको बनाने प्रॉपरली आना चाहिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जिसमें आपको क्लियरली इंडिकेट करना है ये डेटा मेमोरी अलग है या प्रोग्राम मेमोरी अलग है और दोनों की बसेस अलग है। यहाँ पे प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी एक ही है और दोनों की सेम नंबर ऑफ एड्रेस एंड डेटा बसेस यूज होती है। नाउ वी हैव टू अटेम्प्ट एमसीक्यू सेट टू, सो वी आर गोइंग टू प्रीफर द एमसीक्यू सेट टू, हम लोग एमसीक्यू सेट टू पे जाएंगे। सो दिस इज योर एमसीक्यू सेट टू, तो
तो व्हाट इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू सेट टू में, द डैश आर्किटेक्चर सेव्स मेमोरी, कौन सा टाइप का आर्किटेक्चर मेमोरी को सेव करता है। हाँ ये बहुत अच्छा है कि कौन सा टाइप का आर्किटेक्चर मेमोरी को सेव करेगा। मेमोरी के अगर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, जहाँ पे मेमोरी की सेव होती है, जहाँ पे एक ही मेमोरी शेयर होती है प्रोग्राम एंड डेटा के लिए, तो वो कौन सा है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो मेमोरी सेव आर्किटेक्चर कौन सा है, वॉन न्यूमन। क्यों? क्योंकि इसमें तो दोनों के लिए सेपरेट मेमोरी नहीं यूज करना पड़ता है, एक ही मेमोरी में खाली सेक्शन डिवाइड करना पड़ता है। तो फॉर मेमोरी सेविंग पर्पस, अगर मेमोरी की बचत के हिसाब से आर्किटेक्चर देखना है, तो विच वन इज द आर्किटेक्चर, इट इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम एडॉप्टेड बाय वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर स्पेशली फॉर प्रोग्राम एंड डेटा फेचिंग। तो कौन से टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम यूज होती है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा को फैच करने के लिए। तो जैसा कि अभी हम लोग ने लास्ट अपने अपने प्रेजेंटेशन में पढ़े कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन और कोड सिक्वेंशियली फैच होता है, तो सिक्वेंशियली मतलब एक के बाद एक, तो कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग फॉलो होगा, वो टाइम। वेरी गुड, टाइम डिविजन। तो टाइम के हिसाब से डिवाइड होता है, पहले ये काम खत्म होगा तो उसके बाद ये होगा, तो सिक्वेंशियल ऑपरेशन। मतलब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में विच मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज, टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज। तो ये सारे मल्टीप्लेक्सिंग से टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग आपको प्रीफर करना है। थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू सेट 3 जो है, इसमें आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एंड आर्किटेक्चर दैट डज नॉट मैच विद ईच अदर। तो ऐसे टाइप के माइक्रो कंट्रोलर आपको आइडेंटिफाई करना है जो मैच नहीं करते हैं विद ईच अदर। यानी अब यहाँ पे मालूम क्या किया है इसने, माइक्रो कंट्रोलर का नाम दिया और बाजू में लिखा है ये हार्वर्ड है, ये वॉन न्यूमन है, ये ऐसा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है। तो जैसे कि अभी ये माइक्रोचिप पिक दे दिया है हार्वर्ड, क्या ये सही है? तो पिक कंट्रोलर में हम लोग ने पढ़े थे हार्वर्ड टाइप का आर्किटेक्चर फॉलो होता है, यस करेक्ट। MSP430, अभी हम लोग ने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग ने नाम पढ़े थे MSP430। तो MSP430 इज द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, इट इज़ नॉट हार्वर्ड आर्किटेक्चर। यानी ये एप्लीकेशन वाले में देखो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। ARM7 हम लोग ने हार्वर्ड में नाम नहीं देखे थे, हम लोग ने उसका नाम किधर पे देखे थे, हम लोग ने ARM9 देखे थे हार्वर्ड में, और ARM7 का नाम कहाँ पे देखे थे, वॉन न्यूमन में देखे थे। तो इट इज़ करेक्ट, ARM9 हार्वर्ड में नाम देखे थे, इट इज़ करेक्ट। तो यानी थोड़ा सा ये ट्रिकी वाला क्वेश्चन है एप्लीकेशन वाला, जहाँ पे आपको ये रिमेम्बर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का कंट्रोलर कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो माइक्रोचिप पीक, इट इज़ हार्वर्ड, करेक्ट। MSP430 वॉन न्यूमन था, ये गलत था, इसका आंसर बी है इसका आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो हर पर्टिकुलर सेट के तीन तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हम लोग हमेशा अपने लेक्चर खत्म होने के बाद उसको सॉल्व करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर पाऊंगा, जो प्रेजेंटेशन में जैसा है हम लोग वैसा ही उसको पढ़ के अंडरस्टैंड करके आंसर दे पा रहे हैं। आफ्टर दिस फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको समराइज किया हुआ है, समरी दिया हुआ है। तो इन दी समरी, इन दी एंड ऑफ दिस लेक्चर, व्हाट इज द समरी, हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूजेस सेपरेट मेमोरीज फॉर डेटा एंड प्रोग्राम। तो ये की पॉइंट है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या करता है, सेपरेट मेमोरीज यूज करता है प्रोग्राम एंड डेटा के लिए, और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या करता है, यूजेस सिंगल मेमोरी फॉर डेटा एंड प्रोग्राम। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूजेस सेम मेमोरी, सिंगल मेमोरी फॉर बोथ प्रोग्राम एंड डेटा, एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूजेस सेपरेट मेमोरीज फॉर प्रोग्राम एंड डेटा। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप यू मस्ट बी हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कैन आस्क मी, कुछ पूछ सकता है मुझसे। एनीबडी, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, समझ में आया सबको? यस सर, यस सर, तो प्रॉपरली, यस 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 सर, ओके थैंक यू। तो इसी तरीके से आप लोग भी प्रॉपरली जरा स्टडी करो, आप लोग भी ध्यान दो जरा, देखो जरा, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, माइक्रो कंट्रोलर इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी गुड सब्जेक्ट। आगे चल के जब प्रोग्राम वगैरह जब स्टार्ट होगा, डेफिनेटली यू विल बी एंजॉयिंग विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अटेंडेंस आपने ले लिया क्या, भेज दिया किसी ने ग्रुप में? हाँ सर, भेज दिया मैंने। ओके वेरी गुड, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। और आज आप लोग का प्रैक्टिकल है, प्लीज रिमेम्बर इन द आफ्टरनून ज्वाइन एट 2:30। आज मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी सेशन कंडक्ट करूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।
everyone for joining, listening. Stay safe, study well, stay at home. Thank you very much. I love you, sir.